नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां एक स्टॉप सेंटर का हाल ही में एडीजी ने निरीक्षण करते हुए सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। आपको बता दें कि वन स्टॉप सेंटर के तहत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को अधिकतम 5 दिन तक अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ही एडीजी ने सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर में बनी चौकी और उसमें तैनात महिला अधिकारियों से बातचीत के साथ ही सेंटर में पुलिस की ओर से पीड़ित महिलाओं को लेकर बनाए गए रजिस्टर को भी चेक किया है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने जो महिला पीड़ित हैं किसी अपराध में या किसी अन्य कारण से, उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की है। इस वन स्टॉप सेंटर में जो विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं उनको 5 दिन तक रखने की व्यवस्था है, जिसमें उनकी काउंसलिंग, उनका जो मेडिकल या जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, 164 के बयान होते हैं, उस दौरान उनको 5 दिन तक रखने की व्यवस्था है। आगरा में चल रहे हुनर हाट में अपनी प्रस्तुति देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को अनपढ़ बताया है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव ने ये बयान विधानसभा सत्र के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ किए गए बर्ताव को लेकर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद नहीं है, उनको धैर्य रखकर विपक्ष की सही भूमिका निभानी चाहिए। ये तो कोई सड़क छाप, हमारी कानपुर की भाषा में बोलते हैं, ये तो लौंडे लोग बात करते हैं, इस तरह से चौराहों पर बात करते हैं, पान की दुकान पर खड़े रहते हैं, उनका कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो मुंह में गुटखा उटका दबाए हुए, इस तरह से ये अनपढ़ लोग करते हैं। तो वो देख के थोड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े सदन में बैठे हुए हैं तो वहाँ लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग देख रहे थे। सुल्तानपुर के एक गांव में चोर को चोरी करना बेहद भारी पड़ गया है और चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोरी के जुर्म में ग्रामीणों ने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है और उसे तालिबानों जैसी सजा सुना दी, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। अगली खबर संभल के राजपुरा थाना से है, जहां पुरानी मुकदमेबाजी और राजनीतिक को चलते एक पत्रकार के घर पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि परिजनों से जमकर हुई इस मारपीट में पत्रकार के माता पिता समेत कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो ही पत्रकार का भाजपा समर्थक एवं पूर्व विधायक अजीत यादव का बेहद करीबी माना जा रहा था। वहीं आरोपी प्रधान सपा समर्थक है, जिसके चलते ये पूरा मामला हुआ है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होता दिख रहा है। आपसी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना हुई है, इसमें दोनों ही पक्ष के लोग जो है करीब 8 लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल भिजवाया गया इलाज के लिए। 2 लोग इसमें मुरादाबाद रेफर हुए हैं। इसमें जो चोटें आई है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट और सार पेज से आई हुई है, चोटें हैं, किसी को कोई फायर आर्म नहीं है। पूर्व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत अग्निमिशन विभाग द्वारा आगरा में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर अग्नि सचेतक मित्र और अग्नि सुरक्षा मित्र बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत आगरा के 12 ब्लॉकों में 1200 वॉलंटियर्स को जोड़ा गया है। अगली खबर भी आगरा से है, जहां एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि थाना सिकंदरा क्षेत्र के एसडीएम सदर निधि और सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में चलाया गया अभियान कारगिल तिराहे से करकुंज चौराहा तक अवैध कब्जों को खाली करवाया गया। साथ ही इसी बीच व्यापारियों और पुलिस में हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। खबर आगरा से है, जहां जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां अनियंत्रित रफ्तार में जा रहे 2 डग्गामार वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। अगली खबर भी आगरा से है, जहां आगरा लक्ष्य
लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां अज्ञात वाहनों से टकराई एक कार में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो यहां आपको यह भी बता दें कि इस हादसे में महिला पुलिस इंस्पेक्टर उपासना यादव और उनके भतीजे की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजता दिखने के बाद अवैध कब्जा हटाए गए पुलिसकर्मियों के सामने दबंगों ने जमकर हंगामा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता दिख रहा है। लेकिन खास बात यह रही कि इतना हंगामा करने के बाद भी आखिरकार पुलिसकर्मियों ने अवैध कब्जे खाली करवा ही लिए। अब खबर उत्तराखंड से, जहां एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिली है। आपको बता दें कि थराली इलाके में शाम 5 बजे धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे कई बिजली के खंभे भी टूटने लगे और जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे तक चली इस आफत की आंधी में और बारिश ने बाजारों से गांवों को जाने वाले लोगों और वाहनों को जहां के तहां रोक दिया। बताते चले कि यहां पर्वतीय इलाकों में वन क्षेत्रों से सड़क गुजरती है, जिन पर ऐसी तेज हवाओं के चलते समय पहाड़ी से बड़े बड़े पेड़ों और पत्थरों का गिरने का खतरा बना रहता है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने यहां प्राइवेट वार्ड का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। इस दौरान बीडी पांडे अस्पताल के PMS डॉक्टर के एस धामी ने बताया कि अस्पताल में 6 प्राइवेट वार्ड तैयार किए गए हैं, जिन्हें मरीजों के लिए खोल दिया गया है। वहीं इस दौरान नैनीताल विधायक सुरिता आर्या, CMO डॉक्टर भागीरथी जोशी समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।